में से पहले दोस्त हैं मुकर्रम मुन्ना मोहम्मद नईम साहब, जो अमेरिका में मजलिस खुदाम अहमदिया के सदर हैं। इनके वालिद मुकर्रम डॉक्टर करीम अहमद साहब नईम अमेरिका में होते हैं, और उनके दादा हैं हजरत डॉक्टर हशमतुल्ला खान साहब साबी मसीह मौऊद के साथ। दादा थे। तो उन्होंने लंबा अरसा मुस्लिम मौऊद की खिदमत करने की सआदत पाई। बाकी और पहला सवाल मेरा ये है कि इमाम मालिक में हदीस में भी है नजर लगने के बारे में, तो नजर लगने की क्या हकीकत है कि और इसका नजर में एक ताकत तो होती है ना कि नहीं होती? होती है। फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने नजर लगाई तो मूसा को भी वो सांप दिखाई देने लगे थे। ठीक है। उनके सुल्टे उनकी रस्सियां वगैरह सांप बन गए। जी। तो नजर की ताकत तो मारूफ और मशहूर है। मजमलिज्म और हिप्नोटिज्म भी इसी की शाखें हैं मुख्तलिफ। ठीक है। जो उसका इलाज फिर उसका इलाज सबसे बड़ा तो है जो हजूसा ने किया था, अल्लाह ने से ताल्लुक बांधा, खुदा तला ने उसकी नजर तोड़ दी। ठीक है। और लाहौर वाला खुल था वो दुआ है जो खासतौर पर नजर के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। कोई ताकत और कोई खौफ अल्लाह के सिवा नहीं है। जी। ला हौला कोई खौफ। ठीक है। वही कुव्वत वला कुव्वत है जो कोई ऐसी ताकत जो फायदा बख्श हो, खुदा के सिवा नहीं है। और दूसरे जब एक इंसान का वैसे आज़म मजबूत हो तो उस पर नजर लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। इसलिए चोटी के वो माहरीन थे जो इस कामयाब में कामयाब हुए, तभी जब खुदा ने नजर तोड़ी है तो सजदे में गिर गए। उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था कि इतनी बड़ी कुव्वत के साथ जो नजर लगाई गई हो उसको कोई तोड़ सकता है। समझे? ठीक। मगर ये रोजमर्रा का वहम जो है वो मुराद नहीं है आए दिन कि उसको नजर लग गई, उसको नजर लग गई। वो बाल बतमाओं को वहम होते हैं खाम खा, बच्चे बीमार भी होते रहते हैं खाम आए दिन, और बजाय इसके कि उसका डॉक्टर इलाज कराएं वो नजर के पीछे पड़ी रहती हैं, बच्चे जाया कर देती हैं अपने इस तरह। ठीक।